The OSI protocol stack works on hierarchical form from the hardware physical layer to the software application layer. There are total seven layers, data and information are received by each layer from an upper layer. After the required processing, this layer then passes the information on to the next lower layer. A header is added to the forwarded message for the convenience of the next layer. Each header consists of information such as source and destination addresses, protocol used, sequence number, and other flow control related data. ठीक है, OSI protocol stack की working क्या होती है, एक hierarchical form पे work करता है. ठीक है, hardware physical layer से लेके software application layer तक seven layers total होते हैं. ठीक है, जो भी डेटा इंफॉर्मेशन रिसीव होता है हर एक लेयर में, ठीक है, वो अपने ऊपरी लेयर को, अपर लेयर को हेल्प करता है. ठीक है, जो भी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वो लोअर लेवल जो इंफॉर्मेशन देगा वो अपर लेवल क्या करेगा, उसको प्रोसेस करता है और आगे फॉरवर्ड करता है. ठीक है, जितने भी पैकेट्स बनेंगे उसमें हेडर लगाया जाता है. ठीक है, ताकि वो कन्वीनियंस रहे अगले लेयर के लिए. ठीक है, हेडर, ट्रेलर, जो भी एड्रेसिंग वगैरह की जाती है, सोर्स एड्रेसिंग, डेस्टिनेशन एड्रेसिंग, कौन सा प्रोटोकॉल वहाँ यूज हो रहा है, उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, ठीक है, या फिर उसके फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड डेटा, वो सारी चीजें उस पैकेट के साथ में लगाई जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लेयर वाइज कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यहाँ पे काम करते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर एक एक हम लोग अगर लेयर यहाँ पे देखते जाएं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को इतना ज्यादा यहाँ पे कोर्स में नहीं दिया गया प्रोटोकॉल्स के बारे में. ठीक है, यहाँ सबसे पहले आते हैं लेयर वन, द फिजिकल लेयर. This layer deals with the hardware of network such as cabling. It defines the mechanical and electrical standards of interface devices and the type of cable used to transmit digital signals. That is optical fiber, coaxial cable, wireless. ठीक है, physical layer में हम लोग पूरे के पूरे hardware से related यहाँ पे बात करेंगे, जैसे cabling हो गया, electrical standards हो गया, कितना वोल्टेज यूज कंज्यूम होना है, कितना इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन होना है, जो मैकेनिकल डिवाइसेस होती है वहाँ पे. ठीक है, या फिर जो ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग को केबल्स लगते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, या फिर वायरलेस में हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, वो सारी चीज़ें. ठीक है, तो मेनली यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं वो पूरे सिग्नल से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं. ठीक है, जो फिजिकल सिग्नल्स रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज किए जाते हैं. तो यहाँ पे मेजर प्रोटोकॉल्स हैं ब्लूटूथ, PON, OTN, DSL, IEEE 802.11, IEEE 802.3, L431 एंड TIA 449. ठीक है, इतने प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं. तो यहाँ पे हम लोग को कॉमन यूज करने वाले प्रोटोकॉल्स हैं जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, जैसे ब्लूटूथ है, DSL है, ठीक है, IEEE 802.11 है, IEEE 802.3, ये सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, ब्लूटूथ तो हम लोग सभी लोग जानते हैं ब्लूटूथ क्या होता है. ठीक है, DSL जो टेलीफोन लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं वो प्रोटोकॉल होता है. ठीक है, फिर उसके बाद IEEE 802.11 ये वाईफाई के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, IEEE 802.11/B/N/S, इस टाइप से अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके अंदर. ठीक है, तो IEEE 802.11 जो होता है वाईफाई के लिए यूज किया जाता है, और इसके साथ में भी यहाँ पे एक दो टाइप के बैंड होते हैं, सिंगल बैंड, डुअल चैनल. ठीक है, सिंगल चैनल, अलग अलग टाइप के वहाँ पे भी प्रोटोकॉल्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि आजकल की डिवाइसेस आती हैं, आजकल की डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट इंटरनेट की ज़रूरत होगी. मतलब अगर मान के चलिए कहीं पे बहुत फास्ट इंटरनेट हम लोग को मिल रहा है, तो वो डिवाइस ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैपेबल ना हो.
तो हम लोग को आजकल की डिवाइसेस जो आ रही है, जो लैपटॉप वगैरह होते हैं, उसमें डुअल बैंड वाईफाई दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं अपने लैपटॉप की बात करूँ तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट सेटिंग में अगर हम लोग चल जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में आ रहा है इंटेल डुअल बैंड वायरलेस। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा होगा वाईफाई 4802.11n। ठीक है, और यहाँ नेटवर्क बैंड है 2.4 GHz। नेटवर्क चैनल है 6, 6 चैनल का वाईफाई यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब जो मेरा लैपटॉप में डिवाइस है। ठीक है, डुअल बैंड वाईफाई का मतलब क्या होता है कि इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। जो हम लोग यहाँ पे रेंज की बात करते हैं कि 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, ठीक है, इस टाइप का रेंज होता है, उतने ही तक ही सिग्नल पकड़ता है। लेकिन डुअल बैंड वाईफाई अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसकी रेंज बहुत ज्यादा रहती है, स्ट्रेंथ हम लोग को बहुत अच्छा वहां पे देखने के लिए मिल जाता है। लेयर टू द डेटा लिंक लेयर, दिस लेयर रिसीव्स डेटा फ्रॉम द फिजिकल लेयर एंड कंपाइल्स इट टू इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कॉल्ड फ्रेमिंग और फ्रेम। ठीक है, लेयर वन से जो हम लोग को बिट ऑफ सॉरी स्ट्रीम ऑफ बिट्स हम लोग को मिलती है, वो हम लोग को फिजिकल लेयर से मिलती है, उसको कंपाइल करके ट्रांसफॉर्म किया जाता है फ्रेम्स में, जिसको हम लोग फ्रेमिंग या फिर फ्रेम बोलते हैं। द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ दिस लेयर इज टू डिटेक्ट ट्रांसफर एरर्स बाय एडिंग हेडर टू द डेटा पैकेट्स। ठीक है, जो भी उस फ्रेम में कोई एरर्स होंगे उसको डिटेक्ट करेगा, साथ में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसमें हेडर ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट यूज करने वाले प्रोटोकॉल्स है ARP, CLS, सॉरी सी स्लिप, HDLC, IEEE 802.3, PPP, X25, स्लिप, ATM, ठीक है, HDLS और PLIP। ठीक है, इतने सारे डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, ARP मतलब होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, सी स्लिप मुझे अभी याद नहीं आ रहा है सी स्लिप का क्या होता है। HDLC, IEEE 802, ये भी वाईफाई के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, डुअल बैंड वाईफाई अगर होगा तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जनरली हम लोग एरर फाइंडिंग के लिए करते हैं, और ये थोड़े बड़े साइज़ के अगर वाईफाई डिवाइसेस वगैरह होती है, जैसे कि रेलवे स्टेशन में लगा होता है या फिर कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, वहाँ पे उसके अंदर में ही फैसिलिटी हम लोग को मिलती है। नेक्स्ट लेयर है लेयर नंबर 3, द नेटवर्क लेयर। दिस इज द इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द OSI मॉडल विच परफॉर्म्स रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफर डेटा फ्रॉम नोड टू नोड। ठीक है, OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो रियल टाइम प्रोसेसिंग करता है हमारे डेटा का, सारे एरर्स वगैरह फाइंड होने के बाद फाइनल जो पैकेट बनता है उसको नोड टू नोड डिलीवर करता है। नोड हम लोग किसको बोलेंगे, हमारे पास जो कंप्यूटर है, हमारे पास जो लैपटॉप है, हमारे पास जो भी डिवाइसेस है, वो सारे डिवाइसेस नोड कहलाते हैं, जो एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, रूटर्स एंड स्विचेस आर द डिवाइसेस यूज फॉर दिस लेयर दैट कनेक्ट्स द नोड्स की नोड्स है दैट कनेक्ट्स द नोड्स इन द नेटवर्क टू ट्रांसमिट एंड कंट्रोल डेटा फ्लो। ठीक है, रूटर और स्विचेस डिवाइसेस यूज किए जाते हैं नोड्स को कनेक्ट करने के लिए अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, जो यहाँ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं वो यहाँ इस प्रकार है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, IPv4। सेकेंड है इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv6, ठीक है, वर्जन 6 और वर्जन 4। IPX, एप्पल टॉक,
ठीक है, ICMP, IPSEC, IGMP, ठीक है, इतने सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं हमारे नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल IGMP और एप्पल टॉक सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। Layer 4, द ट्रांसपोर्ट लेयर। द ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क्स ऑन टू डिटरमाइंड कम्युनिकेशन मोड्स, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। दिस लेयर ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन नोड। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेजर प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। ठीक है, जो हमारे डेटा को सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचाता है। ठीक है, विथ ऑप्टिमल पाथ, जो भी उसका पाथ होगा, ऑप्टिमल बेस्ट पाथ वहां से निकालेगा, उसको ऑप्टिमाइज करेगा और उससे सेंड करेगा। इट यूजेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स ऑफ द OSI प्रोटोकॉल फैमिली, विच आर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP एंड UDP, साथ में SPX, DCCP, SCTP। ओके, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला प्रोटोकॉल है। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ही सबसे ज़्यादा 98% TCP प्रोटोकॉल्स का ही यूज़ किया जाता है हर एप्लीकेशन पे, जहाँ से भी वो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और जहाँ पे भी रिसीव हो रहा है, हर जगह TCP/IP का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं लेयर नंबर 5, द सेशन लेयर। द सेशन लेयर क्रिएट्स ए सेशन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन नोड्स एंड टर्मिनेट सेशंस ऑन कंप्लीशन ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सेशन लेयर जो होता है, एक सेशन क्रिएट करता है सोर्स और डेस्टिनेशन नोड्स के बीच में, ठीक है, और टर्मिनेट करेगा जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा कम्युनिकेशन। ठीक है, सेशन क्रिएट होगा, कम्युनिकेशन होगा, बाद में टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, PPTP, SAP, L2TP एंड नेट बायोस। नेट बायोस जो प्रोटोकॉल है बहुत कम यूज होने वाला है, सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है SAP। ठीक है, SAP सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे लेयर नंबर 6, द प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, द फंक्शन ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर डिफाइंड ऑन दिस लेयर। ठीक है, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन डिफाइन किया जाता है इस प्रेजेंटेशन लेयर पे। जो एनक्रिप्शन होता है, कोई भी ओरिजिनल मैसेज को चेंज कर देता है किसी दूसरे फॉर्मेट में, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एनक्रिप्शन। डिक्रिप्शन मतलब होता है कि कोई भी दूसरे फॉर्मेट में जो चेंज हुआ है, जो एनक्रिप्शन लगा के हमने कोई दूसरे फॉर्मेट में चेंज किया, उसको वापस से ओरिजिनल फॉर्मेट में चेंज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, सॉरी डिक्रिप्शन। ठीक है, इट एंश्योर्स दैट द डेटा इज ट्रांसफर्ड इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स बाय कन्वर्टिंग डेटा फॉर्मेट इनटू ए फॉर्मेट रीडेबल बाय द एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, जब भी डेटा ट्रांसफर किया जाता है, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करता है, जो कि एप्लीकेशन लेयर के थ्रू वो रीडेबल होता है। ठीक है, द फॉलोइंग आर द प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, XDR, एक्सटर्नल डेटा रिप्रेजेंटेशन। एक्सटर्नल डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। SSL मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। MIME मतलब होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल्स यूज करने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन मेनली ये चार प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा यूज होते हैं। TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, जो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से आ रहा है वो डेटा को चेक करेगा कि वो डेटा सही है या नहीं, ऑथराइज है या नहीं। SSL होता है, SSL मतलब होता है कि हर डेटा जो है वो सिक्योर है, कोई भी उसमें अदर चीजें नहीं है। ठीक है, वो ऑथराइज
यूजर से या फिर सर्वर से होते हुए आ रहा है, पहले से प्री चेक्ड है, ठीक है। एसएसएल कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं HTTPS, ठीक है। एस का मतलब होता है सिक्योर, वो HTTPS कब लगता है, जब उस डोमेन पे सिक्योर सॉकेट लेयर इंस्टॉल्ड होगा, तभी वहां पे एसएसएल की हेल्प से वहां पे सिक्योर किया जाता है किसी भी एक वेबसाइट को, किसी भी एक सर्वर को। माइम का मतलब होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। बहुत सारे मेल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के मेल्स एप्लीकेशन आने लग गए आजकल। ठीक है, सब में यहाँ पे माइम की हेल्प से या फिर एसएमटीपी की हेल्प से वो किसी भी मेल को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे Layer 7, एप्लीकेशन लेयर। दिस लेयर वर्क्स एट द यूजर एंड टू इंटरेक्ट विद द यूजर एप्लीकेशन। QoS, क्वालिटी ऑफ सर्विस, फाइल ट्रांसफर एंड ईमेल आर द मेजर पॉपुलर सर्विसेज ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में जो यूजर होता है डायरेक्टली अपने यूजर एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है, और वहां से डेटा जो भी हम लोगों को कम्युनिकेट करना है वो डेटा जनरेट करता है, और रीड भी वहीं पे करता है जो भी वो रिसीव करेगा, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफर्स, ईमेल्स, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ये सारे मेजर फंक्शनैलिटी होते हैं एप्लीकेशन लेयर के। और यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, HTTP, SMTP, DHCP, FTP, टेलनेट, SNMP एंड SMMP, ठीक है। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DHCP मतलब होता है डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, FTP मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट तो टेलनेट ही है, ठीक है। सिंपल नेम मल्टीपल कुछ होता है, ठीक है, उसके बाद से SMPP भी एक प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे इतने ही प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, HTTP, SMTP, DHCP और FTP। तो ये थे 7 लेयर्स के पूरे प्रोटोकॉल्स।